फिट रख सकते हैं, खुद का ध्यान रख सकते हैं, और इवन अगर कोई अपनी वेट कैटेगरी को फिट रखना चाहता हो तो वो भी आपसे प्रेरणा ले रहा होगा। तो अगर मैं एक फिटनेस टिप अपने दर्शकों को देने के लिए कहूं तो आप क्या वो टिप होगी जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट करें, जैसा भी हो हल्की फुल्की जॉगिंग करें, आप योगा कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है ये सेहत के लिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, सबसे बेस्ट है आप घर में बैठ के योगा करें और अपनी फैमिली को भी कराएं, और किसी के पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं घर पे तो उसके लिए बेस्ट है। अगर नहीं भी है तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, घर में योगा कर सकते हैं, बॉडी ओन बॉडी वेट कर सकते हैं, किसी को पार्टनर बना ले घर में, किसी को भी उठाकर कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। अगर दिन में आप 3-4 एक्सरसाइज करते हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया चहल हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इस खास कार्यक्रम में आपने जिस तरीके से अपने फिटनेस के बारे में और अपने खेल के बारे में हमारे साथ अपने विचार साझा किए हैं, मुझे लगता है कि लोगों में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ गई होगी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप यूं ही हमेशा अपनी सफलता की ओर अग्रसर होती रहें, हमेशा फिट रहें और हमेशा हिट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सोनिया चहल, जिन्होंने बॉक्सिंग में अपना नाम कुछ इस तरीके से कमाया कि लोग उनके पहले पंच को कभी नहीं भूल पाते। बेशक वो डिफेंसिव खेलती हैं, लेकिन उनका खेल कुछ ऐसा है कि जब भी वो मैदान में उतरती हैं, जब भी वो रिंग पर उतरती हैं, तो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती हैं। बहरहाल, जिस तरीके से उन्होंने भी सबको बताया कि फिटनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और हम घर में रहकर भी खुद को फिट रख सकते हैं और खुद को हिट रख सकते हैं, तो मैं यही उम्मीद करती हूं कि हमारे दर्शकों में एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा जरूर आई होगी। बहरहाल, खुद का रखिए खूब सारा ख्याल और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिट रहिए और हमें